नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी आज असम और अरुणाचल दौरे पर रहे। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर निकले प्रधानमंत्री ने आज असम और अरुणाचल प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सेला टनल उद्घाटन किया, तो वहीं असम को स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की सौगातें दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर खास तौर पर रही कांग्रेस पार्टी, और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर नॉर्थ ईस्ट के विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी सरकार में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र भी किया। दरअसल अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की नजर नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों पर है। बीजेपी को यकीन है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में विकास की बयार बहाई है, इससे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की 25 लोकसभा सीटों में से कम 22 पर तो उसे जीत जरूर मिलेगी। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पेश है। असम और अरुणाचल के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सेला टनल समेत 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यहां विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में 4 गुना तेजी से विकास कार्य चल रहा है। भारत में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर के विकास के लिए हमारा विजन अष्ट लक्ष्मी का रहा है। दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्षों में किया है, जितना काम किया है, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी को 20 साल लग जाते हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा, मोदी की गारंटी क्या होती है ये आपको अरुणाचल में आकर साफ दिखता है। कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल में कांग्रेस पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर पुरानी सरकारों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, उस समय कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारी सीमा के गांवों को अविकसित रख कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी। 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना, 2019 में। और आज क्या हुआ, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को भी कई सौगातें दी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वहीं उन्होंने असम के जोरहाट में महान अहोम सेनापति
लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलर यानी बहादुरी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, विरासत भी विकास भी हमारी डबल इंजन सरकार का मंत्र रहा है। असम की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के परिवारवाद पर एक बार फिर से निशाना साधा। वही 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया। तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, यहाँ की पहाड़ियों से भी गुंज सुनाई दे रही है, यहाँ की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं और एक ही आवाज आ रही है। और क्या पूरे देश में सुना? अब की बार 400 बार, अब की बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 बार। इससे पहले शनिवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री मोदी ने हैट लगाकर हाथी और जीप सफारी का आनंद लिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने मिशन नॉर्थ ईस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी 25 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में सबसे ज्यादा 14 सीट असम में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2, त्रिपुरा में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2 लोकसभा सीट है। वहीं मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1-1 सीट है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के लिए मिशन 400 के लिए नॉर्थ ईस्ट की 25 सीट बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की सियासी अहमियत पहचान ली थी और यही वजह है कि 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नॉर्थ ईस्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्राथमिकता में रखा। इसका असर भी इन 10 सालों में देखने को मिला। नॉर्थ ईस्ट विकास की मुख्य धारा में शामिल हुआ है और यहाँ के कई राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है। ऐसे में 2024 में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को उम्मीद है कि वो नॉर्थ ईस्ट के कुल 25 में से कम 22 लोकसभा सीटों पर विजय पताका जरूर फहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। विकसित भारत का विजन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से लोकसभा चुनावों में जीत हासिल होगी, इसमें ऐसे में ये सवाल बनता है कि पूर्वोत्तर में किसकी पैठ होगी। और एक बार फिर से पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से वही एक नारा दोबारा सुनने को मिला, अब की बार 400 पार एनडीए सरकार। अब कितना दबदबा पूर्वोत्तर की राजधानी हो या तमाम और भी जितने भी राज्य पूर्वोत्तर में आते हैं, वहां पर किसकी कितनी पैठ है, किसकी कितनी मजबूत पकड़ है, इसी पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या विकसित भारत को लेकर या तमाम और मुद्दों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जीत कितनी पक्की होगी, कांग्रेस पार्टी की या फिर भारतीय जनता पार्टी की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए, जिसका मैं आपसे परिचय करवा देती हूँ। सुधा मिश्रा जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है सुधा जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ आरके मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करूंगी आरके मिश्रा जी, जिस तरह से अब की बार 400 पार एनडीए सरकार, विकसित भारत का संकल्प, विकसित भारत को मजबूती देना, 2047 तक विकसित भारत बना देना, ये तमाम ये जो विजन रखा जा रहा है उत्तर से लेकर पूरब तक एक ही नारे पर आप आगे चल रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार पूर्वोत्तर में पैठ बनाना आपके लिए एक बड़ी चुनौती साबित नहीं होगा? और कारण आप भी जानते हैं कि क्या कुछ बड़े कारण हैं। वक्ता जी देखिए, पर जो नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये सर्वविदित है जो कि 2014 से लेकर के नहीं बल्कि पूर्व की सरकार जो कांग्रेस की सरकार रही, मैं 2014 मात्र एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ जिसमें आप देखेंगे असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये ऐसे स्टेट थे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और 8 ऐसे स्टेट थे जिसमें कांग्रेस की 5 में सरकार थी और निश्चित तौर पर त्रिपुरा में सीपीआईएम की और सिक्किम में एलजेपी की सरकार। इन 8 स्टेट के अंदर में ये 2014 का है। अब ये देखिए 2016 से जो सिलसिला शुरू हुआ 2019 तक आते आते कांग्रेस इसमें कहाँ खड़ी है और ये हम सबको पता है जो कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है, खास करके इन 8 उत्तर पूर्व राज्य जहाँ असम की और त्रिपुरा की बात है। बीजेपी ने अपने दम पर वहां पर अपनी सरकार पूर्ण बहुमत की बनाई है और निश्चित तौर पर तो एक उपेक्षा कांग्रेस का मात्र उपेक्षा ही नहीं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बल्कि राजनीति भी उन्होंने जोर तोर से किया है वहां पर उत्तर पूर्व के अंदर में और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बेहतर करना चाहिए था,
जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा को और बेहतर करना चाहिए था, वहां पर हमने देखा जो किस तरह से उत्तर पूर्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कहीं भी ऐसा नहीं लगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कांग्रेस ने कुछ प्रयास किए। किन मुद्दों पर चुनाव आगे बढ़ेगा? अगर बात पूर्वोत्तर के राज्यों की जाए, तमाम राज्य हैं, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल, मणिपुर, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे सर? देखिए बक्ता जी, यहां पर एक ही एजेंडा होता है, विकास का एजेंडा होता है। कांग्रेस ने जिस चीज को कहीं भी लगता है शिक्षा की दृष्टि से और विकास काम पर करने की कोशिश की, उसी का जो विकास एजेंडा है निश्चित तौर पर ये सरकार है इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। और उत्तर पूर्व कहता हूँ कि पूरे ही देश के अंदर में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुए हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, इन सब विषय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित प्रधानमंत्री ने जो नाम दिया है अपार, ठीक है। सुधा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो रणनीति साफ है कि विकसित भारत का संकल्प 2047 तक पूरा करना है और उसी को कहीं लेकर विकसित पूर्वोत्तर में जहां जहां पर राज्यों में जिस जिस चीजों की कमी है उनको पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां पर करो या मरो की स्थिति आपको नहीं लगती है? लगभग पूरी तरह से सत्ता से बाहर हैं आप लोग, क्योंकि कभी एक वक्त था जब पूर्वी उत्तर राज्यों में एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन अब जो ज्यादातर नेता हैं, मुख्य नेता हैं, वो तो या कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ रणनीति होगी आपकी? जी वक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने भाई जी को सुन रही थी। चलिए आप भी खुश होके, आपको स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था कि कम से कम पूर्वोत्तर की याद तो आई है ना। वक्ता जी, किसकी सरकार है 10 वर्षों से केंद्र में, क्या ये बताना पड़ेगा? कांग्रेस तो सरकार में नहीं है ना केंद्र में, उसके बावजूद इस देश के प्रधानमंत्री को 10 साल शासन करने के बाद तुलना करनी पड़े कांग्रेस से, शर्म की बात। आपके पास काम ही नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया, कांग्रेस को जनादेश नहीं मिला था, जनता को ही पता है। उसके बावजूद जिस जनता ने जनादेश दिया, आपको प्रधानमंत्री बनाया, आज भी आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। कांग्रेस की बात कर रहे हो, अरे इससे खराब कोई राजनीति हो ही नहीं सकती कि आपके पास अपने किए हुए काम नहीं है। पूर्वोत्तर याद आ गया, चलिए कम से कम मणिपुर की बहनों को कुछ तो दिलासा मिली होगी कि कोई प्रधानमंत्री है। उन बहनों को मैं चाहूंगी लिखना कि हमारे आरके भाई बैठे हुए हैं, मोदी के परिवार में क्या वो बहने नहीं आती हैं? मणिपुर नहीं आता है, अभी कानपुर में घटना हुई, वो बहने नहीं आती हैं? 140 करोड़ किसान नहीं आते, मजदूर नहीं आते, वो बच्चे नहीं आते जो तैयारी कर रहे हैं? अरे कितने आप लोग जुमलों के द्वारा इस देश को ठगते रहेंगे? 10 साल से सरकार है, आपके पास अपने काम ही नहीं बताने के लिए। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस ने वो अधिकार जनता को दिए थे जिसको दबाने की कोशिश हो रही है, और असंवैधानिक एक चुनावी आप लेके आते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट कहती है असंवैधानिक। ये अधिकारों का हनन, जनता के अधिकारों का हनन, आप चुनावी बॉन्ड लेके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है। आप चुनाव करवाते हैं चंडीगढ़ में, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है। आप जहां जहां जो कुछ कह रहे हैं, परिवारों पे लगातार प्रहार करते हुए लोग, अपने ही देश के राज्यों को बांट के रखने वाले लोग, अपने ही देश में 140 करोड़ कहने के बाद मात्र 36% लोगों को अपना कहने वाले लोग, जब ऐसी उल्टी और झूठी बातें करते हैं तो शर्म आती है। मैं पूछना चाहूंगी, कांग्रेस ने जो कुछ भी किया, वक्ता जी एक मिनट और, कांग्रेस ने कुछ भी किया, जनता ने नहीं चुना और यही सच्चाई है, उसके बावजूद आज बैठ के प्रधानमंत्री जी जहां जहां घूम रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री है या भाजपा के नेता, क्या स्पष्ट करेंगे इसको? उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि वो लग रहा हो कि प्रधानमंत्री वो भाजपा की नहीं, आपके मेरे सबके है, देश के संविधान पे बना हुआ वो पद सबके लिए है। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं कहते हैं कि मैं सबका प्रधानमंत्री हूँ। क्या वो मात्र भाजपा के नेता है?
चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, देश की जनता का कोई उनको परवाह नहीं है। आर के मिश्रा जी, देखिए इस बात को लेकर तो सवाल उठते हैं कि ये जो विकसित भारत की बयार है ये तो आपने बहा दी, कहीं ना कहीं देखने को भी मिलती है कि जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास हुआ है देख सकते हैं, जब हम पहुंचते हैं तो विकास दिखता है। लेकिन सर और भी मुद्दे होते हैं ना, असम में घुसपैठ का मुद्दा है, क्या कोई ध्यान दिया गया? त्रिपुरा में ट्राइबल इधर से उधर हो रहे हैं, आपने बाड़े को लगाया है, बाड़े बंदी की है, लेकिन उस पर भी इंटरनल प्रेशर आ रहा है कि इसे हटाया जाए। अरुणाचल प्रदेश में चीन का मुद्दा है, लगातार कब्जा कर रहा है चीन अरुणाचल प्रदेश के तमाम हिस्सों को, अंदर घुसकर चुनौती देता है। मणिपुर में हिंसा को लेकर कुछ नहीं किया जाता है, आप मुंह मोड़ लेते हैं। किसी भी तरीके से मणिपुर की जनता को आपने कोई आश्वासन दिया कि आगे क्या किया जाएगा? तमाम मुद्दे हैं सर, क्या हो रहा है इनको लेकर? लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए, महिला सुरक्षा की बात कर ली जाए, या फिर देश की सुरक्षा की बात कर ली जाए, क्या है पूरा आपका प्लान इसको लेकर? ये ममता जी आपने कहा जो कि वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है या अन्य जो विषय है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उसको हम हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये आरोप गलत है। विपक्षी पार्टियों की बात है, मैं आप अभी सुधा जी अभी कह रही थी जो कि कांग्रेस को से आप तुलना करेंगे, ये सही बात है, ठीक है, कांग्रेस से कब तक तुलना करेंगे? लेकिन कांग्रेस भी तो चुनाव के मैदान में है ना ममता जी, आज अगर कांग्रेस को अगर अरे भाई प्लीज 10 साल से सरकार ने अपने कामों में चुनाव लड़ी है। सुधा जी सुनिए, ऐसे ना आप समझ पाएंगे, ना आप जवाब दे पाएंगे, ना आरके मिश्रा जी से जितने सवाल किए हैं वो हो पाएगा। टोकूंगी इस बात पे, उसके बाद आप मुझे रोक दीजिएगा, मैं टोकूंगी जरूर। दर्शकों को जानना जरूरी है कि मात्र चुनाव नहीं होता इस देश में, चुनाव वो अधिकार है जिसके बाद सरकारों को कुछ करना होता है। अपने कामों में करिए चुनाव, मैं मान जाऊंगी आप लोग अच्छा काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, ठीक है, जवाब दीजिए। मैं बोलूं कहिए। आपने कहा अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, निश्चित तौर पर ये जो असम, जैसे आपने असम के अंदर में आपने कहा घुसपैठ का, ये सब कांग्रेस के समय के ये सारे घुसपैठ किए। और ये जो आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर जब पहले अरुणाचल प्रदेश का दौरा यहाँ के प्रधानमंत्री तक नहीं करते थे, यहाँ के कैबिनेट मंत्री नहीं करते थे, अगर एक बार चाइना अगर आंख दिखा दे तो ये वहां से भाग खड़े होते थे। लेकिन आज अगर देखेंगे अरुणाचल तो है, अन्य किसी भी नॉर्थ ईस्ट की अगर स्टेट की बात करें तो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है आज चाइना को भी सोचना पड़ता है। आप देखेंगे चाहे अरुणाचल के अंदर में हो, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में प्रधानमंत्री जी का निजी दौरा भी है, सरकारी दौरा है, हर तरह का दौरा है, और वहां पर चाइना की हिम्मत नहीं है जो कि आज प्रधानमंत्री जी को आंख दिखा सके। नहीं सर, क्या करेंगे, घुसपैठ को कैसे रोका जाएगा? क्या ये कह देने से कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया तो आप नहीं करेंगे? 10 सेकंड तो दीजिए आप। जी सर, मुझे बोलने का अवसर तो दीजिए क्योंकि के लिए तो ये एनआरसी और सीए है क्या, इसी प्रयास कर रहे हैं जो विपक्षी दल अभी भी उनको हमको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे घुसपैठिए कम के हैं जब कांग्रेस की सरकार थी। आज असम देखेंगे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ही है, और अन्य सभी भी विषय, चाहे अन्य विषय को लेकर, चाहे आप डेवलपमेंट की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, की बात कर लें, वहाँ अब जो भाजपा, इसका क्या लगता है कि मिश्रा जी सीए का मुद्दा लेकर आप हालातों को सुधार लेंगे? अब आ रहा हूँ उसी विषय। सर वक्त की कमी है, सर वक्त की कमी है मेरे पास, वक्त की कमी है। मैं 10 सेकंड जी वक्त जी मैं 10 सेकंड जी। अब देखिए 2014 के अंदर में हमारी 8 सीटें थी, और यही 2019 के बाद हमने 15 सीटों पर में बीजेपी का सीट रहा, और 2018 के ऊपर में एनडीए का सीट रहा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जी, ठीक है, आर के मिश्रा जी ने जो जवाब दिया है, सुधा जी इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार इस बात पर सवाल उठाया जा रहा है कि बॉर्डर्स पर अब पुरानी सरकारों की जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो घुसपैठ को लेकर हो या फिर सिक्योरिटी मसले को लेकर हो, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया है। सरकारें आपके घोटाले में इतनी व्यस्त थी कि सीमा को जितने भी गांव थे उनको अविकसित करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। समझ गई, कांग्रेस के टाइम पे जो चीन का घुसपैठ हुआ है कांग्रेस के टाइम पे हुआ है ना, गलवान कांग्रेस के टाइम पे हुआ है ना, जिस तरह से एक हमारे शहीद की एक चौकी थी उस पे चीनियों का कब्जा हो गया, वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। कैसे आप लोग प्रश्न कर देते हैं, कितना क्षेत्र चीन ने ले लिया है, इस पे इनकी हिम्मत बोलने की नहीं होती है?
मानचित्र में दिख रहा है कि कहां से कहां तक चीन पहुंच गया है, जहां हम पहुंच जाते थे वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ये कांग्रेस बैंक है, इस सोच समय जब संसाधन कम थे, एक आपके देश की प्रधानमंत्री हुई थी, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, बिना कम ज्यादा से ज्यादा सुधार नहीं थे कम संसाधनों में, जबकि पूरा विश्व यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़े थे और हमारी प्रधानमंत्री ने वहां पे दो टुकड़े कर दिए थे। इतिहास भूल जाएंगे क्या? झूठी बातें बोल के मंच पे आप कहेंगे कि हम कुछ भी कर ले रहे हैं? दर्शकों को बताना जरूरी है कि जाके इतिहास पढ़े, तथ्यों को पढ़िए, झूठ के इन मसलों मत पढ़िए। संसाधन कब बचते हैं, विकास कब होता है? पहले टेलीफोन लैंडलाइन आया था, तब मोबाइल आया भारी भरकम, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी। जब हम विकास में ऐसे गति आगे बढ़ते हैं तो अपना देश जिस समय स्वतंत्र हुआ था उस समय क्या स्थिति और आज हम कहाँ पहुँचे हैं? ठीक है सुधा जी, मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर में कुछ नहीं किया। जाते जाते मुझे एक कम शब्दों में जवाब चाहिए। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, आरके मिश्रा जी सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से आप पूर्वोत्तर में मजबूत नहीं हैं और आपकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, तो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए तमाम जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या तैयारी है आपकी? बस वक्त की कमी है आरके मिश्रा जी। नहीं, मैं वक्त नहीं दूंगी, मैं सुधा जी का बस जवाब लेना चाहूंगी। इनके झूठ और जुमलों को रोकिए, फिर देखिए जनता स्वयं इनको बताएगी कि झूठा कौन और सच्चा कौन। यानी 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 जनता इसका फैसला करेगी कि पूर्वोत्तर में इस बार कौन आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।